हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल ग्रीनएक्स में। दोस्तों ये देखिए, ये मक्का का पौधा है यानी भुट्टे का। और अगर आपको क्यारी में भुट्टा बोना है या थोड़ी सी जगह में भुट्टा बोना है मक्का, तो आपको इस तरह से बोना है जिससे जल्दी ग्रो होगी। तो दोस्तों वीडियो बने रहिएगा, वीडियो बहुत ही नॉलेजेबल होने वाली है। वीडियो को पूरी देखिएगा, प्लीज़ स्किप मत करिएगा। देखिए, सबसे पहले तो हमें बनानी है एक स्पेस चौरस। जी हाँ, क्यारी हो या ज़मीन आपके पास बगीचे में जो भी जगह हो, उसमें आपको ज़मीन को बराबर कर लेना है। जैसे मैंने ये बराबर किया है, देखिए, और उसके खरपतवार सभी निकाल लेना है आपको। उससे ये फ़ायदा होता है दोस्तों कि बाद में जो प्लांट निकलते हैं फसल के आप जो लगाते हैं, तो पूरी क्षमता वही लेते हैं ज़मीन की ग्रोथ की, खरपतवार नहीं ले पाते। सबसे पहले हमें इस तरह से लाइन खींच लेना है। आपको अपने क्यारी में 9 इंची या 10 इंची की गैप में इस तरह से लाइन खींचना है, जितनी बड़ी भी आपकी क्यारी हो। और इस विधि से आप भुट्टा बोएंगे यानी मक्का को बोएंगे, तो आपके क्यारी में प्लांट जल्दी निकलेगा। और ऐसे बोने से आपके प्लांट में 3 से 4 मक्के यानी भुट्टे लगेंगे और पूरा भुट्टा, पूरा प्लांट जो भुट्टे का, भुट्टे से भरा रहेगा। दोस्तों इस तरह से आपको क्यारी में बना लेना है लाइन खींच करके, और 1.5 से 2 इंच गहरा इस तरह से आपको लाइनिंग खींचनी है। आपके पास कोई भी टूल्स हो, कोई भी खुरपी हो या ये कुदारी हो, इस तरह से नुकीली आपको खींच लेना है लाइनिंग। ये देखिए, आपको मैं दूर से रिकॉर्ड करके दिखा रहा हूँ, ये इतनी बड़ी क्यारी मेरी 1.5 बाई 2.5 मीटर की क्यारी है, और इसमें मैंने 9 या 10 लाइनें इस तरह से खींची है 10 इंच की गैपिंग पे। और ये देखिए, मक्का मैंने लाया था बाज़ार से, और ये बहुत ही स्वादिष्ट भुट्टा है। उन्होंने बताया सेल वालों ने, शॉप वाले ने, कि ये देखिए इसकी खूबसूरती कितनी है भुट्टे की, बीज की। और ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये आपको अपने क्यारी में उस लाइन में बांट करके बोना है इस तरह से कि सभी पहली, तीसरी, पांचवी लाइन एक दूसरे के सामने हो और दूसरी, चौथी, छठवीं लाइन के सीड एक दूसरे के सामने हो। जी हाँ, आपने सही समझा। आपको पहली लाइन में 4 सीड डालना है, दूसरी लाइन में 3 सीड डालना है, और तीसरी लाइन में 4 सीड डालना, इस तरह से। इस तरह से सीडलिंग करेंगे आप, तो आपके मक्के के पेड़ जो हैं जब खड़े होंगे तो एक दूसरे को टच नहीं करेंगे और गैपिंग बराबर रहेगी। उनमें पौष्टिकता खाद आप जो डालेंगे वो सभी को बढ़िया मिलेगा और जड़ बढ़िया ग्रोथ करेगी। ये देखिए, मैंने इस तरह से गैपिंग करके सीड लगा रहा हूँ मैं, और आपको भी इस तरह से बोना है ताकि भुट्टे का पेड़ जो निकले तो बढ़िया चले, बढ़िया ग्रोथ ले, उसको बढ़िया स्पेस मिले। ये देखिए, पहली लाइन में 4 और दूसरी लाइन में 3, इस तरह से बोना है आपको। ये देखिए, इस नियम को आप अपनाइएगा ताकि आपका भुट्टे का पेड़ जल्दी निकले और बढ़िया ग्रोथ करे और फल ज़्यादा लगे। दोस्तों अभी आप मक्का लगा सकते हैं, अभी देर नहीं हुआ है, और यही विधि अपनाइए। और खाद में आपको काऊ डंक यानी गोबर की खाद यूज़ करना है। ये देखिए, मैंने सभी सीट को इसमें लगा दी हूँ। अब धीरे धीरे इस कुदारी की मदद से सभी को बराबर कर रहा हूँ, सीट के ऊपर मिट्टी खींच रहा हूँ, और इस तरह से आपका भुट्टे का पेड़ जल्दी निकलेगा और फल उसमें ज़्यादा लगेगा। दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, और चैनल पर आप हमारे पहली बार विज़िट कर रहे हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। और हाँ, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी और आप वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। ये देखिए, सभी लाइनों को मैं कुदारी की मदद से बराबर कर रहा हूँ ताकि सीड अंदर चला जाए, कोई भी चिड़िया चुग नहीं पाए, निकाल नहीं पाए सीड को, और ना ही पानी लगाने के बाद सीड बह जाए, अपनी जगह से खसक जाए। तो दोस्तों यही विधि आपको यूज़ करना है,
और फर्स्ट क्लास 2 से 3 दिन में इसमें प्लांट की ग्रोथ हो जाएगी, निकलने लगेगा छोटा बेबी प्लांट। फिर जितना धूप खाएगा और तीसरे चौथे दिन आपको पानी लगाना है, उसी तरह से ये ग्रोथ करता रहेगा और महीने भर में इसमें फल लगने लगेगा। जी हाँ, तो ये देखिए, ये मैंने लगा दिया है और अब इसमें पानी लगाने के बाद इसकी ग्रोथ जल्दी होगी। दोस्तों, आपको भी यही करना है, बस यहाँ से हमें पानी काटना है और 3 दिन बाद फिर इसकी ग्रोथ देखिए इस तरह से हो जाएगी। ये देखिए प्लांट निकल आया है, ये मक्के का पेड़। जी, मेरा 3 दिन का प्रोग्रेस है प्लांट का। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। गुड बाय दोस्तों।